महाकाल से पुणे की परिक्रमा यात्रा में पहुंचे हजारों श्रद्धालु। मुंदी मानधाता विधानसभा क्षेत्र के युवक कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह के सुपुत्र कुंवर उत्तम पाल सिंह पुणी के द्वारा लगातार 4 वर्षों से तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर स्थित ओंकार पर्वत परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु उनके साथ ओंकार पर्वत की परिक्रमा कर भगवान ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन अभिषेक करते हैं। इस वर्ष भी कुंवर उत्तम पाल सिंह पुर्णी के नेतृत्व में ओंकार पर्वत परिक्रमा का आयोजन किया गया, जो शुक्रवार सुबह 11 बजे ओंकारेश्वर की आदिवासी धर्मशाला से होकर निकली, जिसमें मानधाता विधानसभा क्षेत्र के करीब 20 से 25 हजार लोगों ने पहुंचकर इस परिक्रमा यात्रा में शामिल हुए और यात्रा को पूर्ण किया। ओंकार पर्वत परिक्रमा यात्रा को लेकर कुंवर उत्तम पाल सिंह पुर्णी एवं उनके पिता पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह पुर्णी और करणी सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान में किसान संघ युवा संगठन के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कुंवर पंकज राज सिंह पुर्णी के द्वारा पिछले कई दिनों से इस यात्रा की तैयारी को किया जा रहा। श्रद्धालुओं के लिए 600 से अधिक वाहनों की सुविधा की गई एवं परिक्रमा करने वाले समस्त श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था भी की गई। देखिए पूरी खबर ब्यूरो चीफ हिमेश्वर ठाकरे के साथ पुनासा मुंदी आज की आवाज। प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और आप भी इस रैली में शामिल हैं, तो ये यात्रा में आप लगातार साथ में रहते हैं, तो इस यात्रा के जरिए आपका उद्देश्य क्या है? ये एक व्यक्ति की सोच थी, परिवार की सोच थी। आदमी रहता है, चले जाता है, सोच कभी नहीं मिलती। ये मानधाता क्षेत्र में जो सोच को हमने कायम किया, ये कोई ना कोई आगे ये झंडे को ले जाएगा। हम नहीं रहेंगे जब भी ये सोच जिंदा रहेगी। यही माध्यम हम दोनों भाइयों ने सोच के इस परिक्रमा को आरंभ किया था। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ओंकार महाराज जो जिसमें कोई आकार नहीं है, वो ओंकार है, उनकी शक्ति इस निमाड़ अंचल में, इस ओंकार खंड में मजबूती से बढ़ती रही और आस्था बढ़ती रही। इस आस्था को देखते हुए, पूर्वी परिवार के सामाजिक कार्यों को देखते हुए, लोगों को विशेष पूर्णी परिवार के जो लगाव है, उसका नतीजा आप देख रहे हैं। जन सैलाब आशीर्वाद देने आया पूर्णी परिवार को। मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार से ओंकार पर्वत परिक्रमा की जा रही है, और ये परिक्रमा का उद्देश्य क्या है? भैया देखो, एक बात सुनो, हमारा गांव पुर्णी जो था वो पहले नर्मदा किनारे था, और हमारे पिता ने बावड़ी खुदवाई थी और वहाँ कमरे बनाए थे परकम्मा वासियों के लिए। और चूँकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम उसका और महत्व कम समझते हैं, लेकिन बाहर के लोग ओंकारेश्वर कितने आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ममलेश्वर है, और भाई साथ में माई बह रही नर्मदा, ये बहुत पवित्र एरिया है। और जो ओंकार पर्वत का जो इम्पोर्टेंस है, ये गंगा सागर का तीरथ के बराबर है। और हम इसलिए पूरी जी जान लगाकर इस साल जो है, हमने बहुत मोटी व्यवस्था करी लोगों के लिए, और इसका फायदा जरूर मिलता है। ये गरम गरम के काम है, लेकिन और मैंने आज भाषण में नहीं बोला कि भाई राजनीतिक आदमी खाल गंधाती है। राजनीतिक लोग रहते हैं तो राजनीति के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ की पब्लिक को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप गाड़ियाँ भेजें, दूसरा कोई आदमी 100 गाड़ियाँ भेज दो, कोई लोग नहीं आएंगे, लेकिन मन की बात समझती पब्लिक और मन से आती है। और हमारे पास में कभी भी आम लोगों से कभी भेदभाव नहीं रहा, और हमेशा उनकी सेवा करी। सन 1985 से रेगुलर सेवा करते आया हूँ मैं। हमारे 2 लड़के सेवा करते हैं, और आज अजय शाह जी ने भी ये सारी चीज़ें देख ली है। कुल मिला के राजनीतिक परिवार के लोग जात में पैदा हुए हैं, उसने जिंदगी से राज कर दिया है। जो राज कैसे करना है बहुत अच्छे से जानते हैं। पिछली बार से इस बार 5 गुना आम जनता की तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसका क्या रहा? इस साल बात ये हुई, हर साल तो होती, पर इस साल हमने नहीं सोचा उससे लोग आगे। लोगों ने मन से गाड़ियाँ ले करके और ले आए, क्या करो क्या। हमारा टारगेट तो 12,000 लोगों का था, लेकिन पब्लिक 17,000 से 20,000 हो गई, तो कोई का मन नहीं तोड़ सकते। इसको ये माना जाए कि ये पूर्व विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह का एक शक्ति प्रदर्शन था।
भगवान के आगे क्या शक्ति प्रदर्शन यार भाई, कोई नेता का काम हो तो शक्ति प्रदर्शन भाई। ओंकार महाराज के यहाँ क्या, ये तो कार्यक्रम जो है ये कुल मिला के एक जन भावना का कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है। आप बताओ पिछले साल महिलाएं नहीं आती थी, इस साल महिलाएं बहुत आई, मेरी खुद की पत्नी है, इसकी मम्मी आई है, तो आप ये बताओ हम बोलते तो आती थी क्या, नहीं आती थी लेकिन मन से आई। तो लोग जो भी आए हैं वो दिल और मन से आए, श्रद्धा से आए, और उसका कहीं ना कहीं पूर्वी परिवार से लोगों का लगाव है, आप भी इसका पता